हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन आवर चैनल मानसी साइल वर्ल्ड्स। गाइस, मेरा नाम है शैलेंद्र और आज का जो वीडियो है वो होने वाला है प्रोडक्ट रिव्यू सीरीज का। और आज का जो हमारा प्रोडक्ट है वो है एफएनडी कंपनी का पोर्टेबल ब्लूटूथ स्पीकर। एफएनडी कंपनी है वो फेंडा ऑडियो के नाम से भी जानी जाती है। तो गाइस, करेंगे इसकी अनबॉक्सिंग, देखेंगे क्या क्या आता है बॉक्स के अंदर, किस तरह के इसके फीचर्स हैं और किस तरह की इसकी परफॉर्मेंस है। गाइस, वीडियो स्टार्ट करने के पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या करो दोस्तों, फटाफट सब्सक्राइब करो चैनल को, दबाओ नोटिफिकेशन की बेल ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। साथ में आप हमें फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम पर, इंस्टाग्राम की जो आईडी है वो है मानसी सेल और लिंक मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो गाइस, अब फटाफट वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं इसके बॉक्स की। तो इस तरह के बॉक्स में ये हमें रिसीव होता है। तो ये एक पोर्टेबल ब्लूटूथ स्पीकर है और इसका जो मॉडल नंबर है वो है W26। आप देख सकते हो यहाँ पर आपको मिल जाएगा मॉडल नंबर, यहाँ पर आपको मिल जाएगी एफएनडी की ब्रांडिंग। साथ में अगर बात करें इसके कुछ फीचर्स की जो कि इसके बॉक्स पर मेंशन्ड है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो। सबसे पहले हमें इसमें मिल जाता है ब्लूटूथ 5.0, इसके बाद हमें इसमें मिलता है एफएम रेडियो। तो भाई, इसके बाद जो हमें नेक्स्ट फीचर मिलता है वो है टीएफ कार्ड का, जिसका मतलब है कि अगर आपके पास टीएफ कार्ड है तो आप डायरेक्ट अपने टीएफ कार्ड में अपने सॉन्ग्स को डाल के आप इसमें इंसर्ट कर सकते हो और आप अपने सॉन्ग्स को सुन सकते हो। तो भाई, अगर इसके बाद बात करें इसकी बैटरी की, तो इसमें आपको मिल जाती है 4400 की लिथियम आयन बैटरी, जिसको 4 घंटा लगता है चार्ज करने में और इसमें जो आपको टोटल टाइम मिल जाएगा वो मिलता है 8 घंटे का। तो 8 घंटे आप इसको एक बार 4 घंटे चार्ज करने के बाद इसको 8 घंटे इसमें सॉन्ग्स वगैरह सुन सकते हो। इसके बाद आपको इसमें मिल जाता है IPX4 वाटर रेजिस्टेंस। तो अगर थोड़ा बहुत कुछ पानी अगर इस पर गिरता है तो ये वाटर रेजिस्टेंस है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपको इसको पानी के अंदर रख देना है और आपको इसमें गाने सुनना है पानी के अंदर रख के, क्योंकि ये सिर्फ IPX4 ही इसमें वाटर रेजिस्टेंस दिया गया है। तो कहीं फटाफट इसको अनबॉक्स करते हैं, देखते हैं बॉक्स के अंदर क्या क्या हमको मिल जाता है। सबसे पहले बॉक्स के अंदर है एक मैनुअल्स, इसमें सारी डिटेल्स दी गई है। इसके बाद इसमें हमें मिल जाता है एक ये ब्लूटूथ स्पीकर, यहाँ पर हमको मिल जाती है एक केबल फॉर चार्जिंग। बट गाइस, इसमें किसी भी तरह का कोई अडेप्टर हमें नहीं दिया गया है, तो जिसका मतलब ये है कि इसको चार्ज करने के लिए हमें अपना खुद का अडेप्टर यूज़ करना पड़ेगा, और अगर आपके पास खुद का अडेप्टर नहीं है तो आपको परचेस करना पड़ेगा। तो गाइस, अब बात करते हैं अपने मेन प्रोडक्ट की। तो इस तरह का हमें ये पोर्टेबल ब्लूटूथ स्पीकर इसमें मिल जाता है। इसकी साइज़ आप देख सकते हो काफ़ी पोर्टेबल है, करीब करीब ये 15 सेंटीमीटर का होगा, तो इससे आपको इसकी लेंथ का अंदाज़ा लग जाएगा, तो काफ़ी पोर्टेबल है। बात करते हैं इसके कंट्रोल्स की। तो यहाँ पर हमको मिल जाता है एक बटन जिसकी सहायता से हम जो भी मोड्स वगैरह हैं वो चेंज कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर वॉल्यूम अप डाउन बटन हमको मिल जाते हैं, एक बटन है पावर का जिससे पावर ऑन ऑफ हम कर सकते हैं, दूसरा बीच में ये बटन है ये है FM स्कैन करने के लिए, या आपको अगर पेयरिंग करना है तो उसके लिए भी ये बटन हम यूज़ कर सकते हैं। बात कर लेते हैं मोड्स की। तो इसमें हमें 4 तरह के मोड्स मिल जाते हैं। पहला जो मोड होता है वो होता है कि आप इसको अपने ब्लूटूथ डिवाइस से कनेक्ट करके चला सकते हो। दूसरा मोड है ऑक्स केबल के थ्रू आप इसको वायर्डली कनेक्ट कर सकते हो, अगर आपके पास ऑक्स केबल है तो आप डायरेक्टली इसको अपने मोबाइल से कनेक्ट कर सकते हो वायर के थ्रू। इसके बाद जो इसका तीसरा मोड है वो है FM रेडियो, तो इसमें आप FM रेडियो भी चला सकते हो। और जो चौथा मोड है इसका वो है TF कार्ड, अगर आपके पास TF कार्ड है तो आप TF कार्ड में अपने सॉन्ग्स स्टोर करके डायरेक्टली TF कार्ड को इसमें इंसर्ट कर सकते हो। तो इस तरह की इसकी डिज़ाइन है। बात कर लेते हैं इधर पर कुछ पोर्ट्स वगैरह दिए गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो एक हमें मिल जाता है चार्जिंग का पोर्ट है, उसके बाद हमको एक पोर्ट मिल जाता है ऑक्स केबल के लिए, और एक जो हमें इसमें पोर्ट मिल जाता है वो है TF कार्ड के लिए। तो गाइस, इस तरह की इसकी एक डिज़ाइन है। तो फटाफट इसको अब कनेक्ट करते हैं अपने फ़ोन से और देखते हैं कि किस तरह की ये परफॉर्मेंस हमें इसमें मिल रही है। तो गाइस, अगर बात करें इसके वेट की, तो इसका जो वेट है करीब करीब 500 ग्राम्स का है, और अगर इसके स्पीकर की बात करें तो इसमें 12 वाट के स्पीकर्स लगे हुए हैं। बैटरी का मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, 4400 की इसमें बैटरी लगी हुई है जिसको चार्ज करने में लगता है 4 घंटे, और एक बार अगर आप इसको 4 घंटे चार्ज कर लेते हैं तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं 8 घंटे के लिए। तो 8 घंटे का टाइम आपको इसमें मिल जाता है इसकी बैटरी के साथ। तो गाइस, अगर बात करें इसके ब्लूटूथ की, तो इसमें लगा हुआ है ब्लूटूथ 5.0, और इसकी जो रेंज है कनेक्टिविटी की वो करीब करीब 8 से 10 मीटर है। मींस आप एक बार अपनी डिवाइस को पेयर करके 8 से 10 मीटर की रेंज में ले जा सकते हो, उससे अगर आप ज़्यादा दूर जाओगे तो ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो 8 से 10 मीटर की हमको इसमें रेंज मिल जाती है विथ ब्लूटूथ 5.0।
तो गाइस अब फटाफट इसको कनेक्ट करते हैं अपनी मोबाइल से और देखते हैं कि हमें इसमें किस तरह की परफॉर्मेंस मिल रही है, किस तरह की कनेक्टिविटी है और जो स्पीकर से हमें किस तरह का इसमें साउंड मिल रहा है। तो इसको मोबाइल से कनेक्ट करना या किसी भी ब्लूटूथ डिवाइस से कनेक्ट करना बेहद ही आसान है। सबसे पहले आप इसको पावर ऑन करना है। ब्लूटूथ मोड। तो जैसे ही ये पावर ऑन हो जाती है तो अगर आप अपनी डिवाइस में स्कैन करोगे तो आपको W26 के नाम से एक ब्लूटूथ डिवाइस दिखेगी। अगर ये आपसे पासवर्ड मांगता है तो आपको 4x0 इसमें एंटर कर देना है। उसके बाद ये जो ब्लूटूथ स्पीकर है आपकी ब्लूटूथ डिवाइस या आपके फ़ोन से कनेक्ट हो जाएगा। तो गाइस हमने इसको कनेक्ट कर लिया अपने फ़ोन से। अब हम इसमें साउंड चला के देखते हैं कि किस तरह की परफॉर्मेंस हमें इसमें मिल रही है। आपने देखा कि इस तरह का साउंड हमें इसके साथ मिल रहा है। बाकी रही बात मोड्स की चेंज करने की, तो यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया ये मोड्स है, यहाँ से हम इसके मोड्स को चेंज कर सकते हैं। तो जैसे अभी ये चल रहा है ब्लूटूथ मोड पर, तो अगर मैं इसको एक बार प्रेस करूंगा तो मोड चेंज हो जाएगा TF मोड। तो ये अभी TF कार्ड का जो मोड है उस वाले मोड में आ गया है। इसके बाद अगेन मैं इसको प्रेस करूंगा तो अगेन ये मेरा मोड चेंज हो जाएगा UX मोड। तो ये अभी ऑक्स केबल वाले मोड पे आ गया है। तो अगर आपके पास ऑक्स केबल है तो आप डायरेक्टली ऑक्स केबल लगा के इसको अपनी डिवाइस में कनेक्ट कर सकते हो। FM मोड। तो गाइस FM मोड पर अभी कोई भी चैनल सेलेक्ट नहीं है, इसको स्कैन करके हमको चैनल सर्च करने पड़ेंगे। यहाँ से इसको स्कैन किया जा सकता है और हमें सारे चैनल को सेट करना पड़ेगा। तो इसको वापस से लगा देते हैं ब्लूटूथ मोड पर। ब्लूटूथ मोड। तो अभी मैं साउंड को पूरा फुल कर देता हूँ और हम इसको फिर से प्ले करते हैं। तो गाइस अब बात कर लेते हैं प्राइस, वारंटी और इसकी यूजर रेटिंग्स की। तो अगर मैं बात करूँ प्राइस की, तो इसकी जो प्राइस है वो करीब करीब 2300 रुपये है और ये अमेजन और फ्लिपकार्ट पर ये अवेलेबल है। तो आप अगर चाहो तो वहाँ से जाके इसको परचेज कर सकते हो। तो गाइस अगर बात करें प्राइस की, तो इसकी जो प्राइस है करीब करीब 2300 रुपये है और ये अमेजन और फ्लिपकार्ट दोनों ही जगह अवेलेबल है। मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप चाहो तो वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हो। बात करें वारंटी की, तो इस वाले प्रोडक्ट के साथ आपको मिल जाती है 1 साल की वारंटी। बात करें यूजर रेटिंग्स की, तो अमेजन पर इसकी जो यूजर रेटिंग है वो 3.5 स्टार है। तो गाइस जो अमेजन की लिंक है वो मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और मेरी जो अदर रिकमेंडेशन है इस तरह के दूसरे कंपनीज के पोर्टेबल स्पीकर के बारे में, वो सारी लिंक्स मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आप वो भी जहां जाके चेकआउट कर सकते हो और अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट पसंद आता है तो आप परचेज कर सकते हो। तो गाइस ये था हमारा रिव्यू इस FND कंपनी के पोर्टेबल स्पीकर का, जिसका मॉडल नंबर है W26। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है इस प्रोडक्ट के लेके तो वो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो, साथ में आप हमें DM कर सकते हो इंस्टाग्राम पर। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब करो चैनल को, दबाओ नोटिफिकेशन की बेल ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। साथ में आप हमें फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम पर, लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और जो ID है वो है मानसी सेल। तो गाइस अब लेते हैं विदा, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।